हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। दोस्तों, आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर रखे थे, तो दोस्तों आज वापस से मैंने उनको रिपीट किया है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे ही मैं क्वेश्चंस बोलूँ, आप उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें और चेक करें कि आपका आंसर सही था या फिर गलत। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतवर्ष में सबसे पहले विज्ञान केंद्र खुला था नगीना, मैसूर, पांडिचेरी, नई दिल्ली। तो दोस्तों, भारत का सबसे पहला विज्ञान केंद्र खुला था पांडिचेरी में, और दोस्तों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको खोला गया था 1974 में, 1974 को। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय तंबाकू रिसर्च संस्थान स्थित हैं मैसूर, राजमुंद्री, त्रिवेंद्रम, कन्नौज। तो दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू रिसर्च संस्थान राजमुंद्री में स्थित है, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष में 1957 में सर्वप्रथम समन्वित सुधार कार्य शुरू किया गया, गेहूँ, मक्का, धान, दलहन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मक्का। दोस्तों, मक्का पर 1957 में सबसे पहला सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया, द्विशंकर मक्का पर शोध किया गया, इस समय 1957 में शुरुआत कर दी गई थी दोस्तों द्विशंकर मक्का पे शोध करने की। क्वेश्चन नंबर 4, कपास में फूल आते समय, गुलर बनते समय पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? उपज में भारी कमी होगी, फसल देर से पकती है, रेशे का रंग प्रभावित होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर कपास में फूल आते समय और गुलर बनते समय पानी की कमी हो जाएगी, तो दोस्तों उपज में भारी कमी होगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपज में भारी कमी। क्वेश्चन नंबर 5, पूसा दो फसली किस्म है मटर, सेम, मूंग, लोबिया। तो दोस्तों, ये लोबिया की किस्म है, और दोस्तों इसके जो पौधे होते हैं वो बोने होते हैं या फिर झाड़ी नुमा होते हैं, और इसकी जो अवधि होती है, फसल अवधि, वो 60 से 70 दिन की होती है। और दोस्तों, इसके जो दाने का कलर होता है, दानों का कलर सफ़ेद होता है, और छोटे और बेलनाकार दाने होते हैं। और दोस्तों, बात करें अगर इसकी उपज की, तो दोस्तों 10 से 12 क्विंटल इसकी उपज निकलती है, और इसकी खेती मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में की जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोबिया। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में हैं? आसाम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। तो दोस्तों, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर। दोस्तों, 26 जनवरी 1993 में इसको स्थापित किया गया था मणिपुर में, 1993 को। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तत्व पौधों में बीमारियों तथा कीड़ों के प्रति सहनशीलता बढ़ाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी अनुपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बनता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 9, किस तत्व की कमी से मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है? सल्फर, जिंक, पोटास, सोडियम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिंक। दोस्तों, जिंक की कमी होने से मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है, और बात करें धान में, तो दोस्तों धान में खेरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधे के किस भाग में पोटेशियम की मात्रा अन्य भागों से अधिक होती है? जड़, तना, पत्तियाँ, बीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पत्तियाँ। दोस्तों, पोटेशियम की मात्रा होती है सबसे अधिक पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 11, सिट्रस कैंकर का कारण है वायरस, फफूंदी, बैक्टीरियल, माइक्रोप्लाज्मा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैक्टीरियल। दोस्तों, जेंटोमोनास बैक्टीरिया जो होता है, उसके कारण नींबू में सबसे खतरनाक रोग होता है कैंकर रोग। क्वेश्चन नंबर 12, आम्रपाली विकसित की गई है दशहरी क्रॉस नीलम, नीलम क्रॉस अल्फांजो, अल्फांजो क्रॉस नीलम, रत्ना क्रॉस अल्फांजो। तो दोस्तों, आम्रपाली दशहरी क्रॉस नीलम से विकसित की गई है, और 1971 में इसको डॉक्टर पीयूष कांति के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, आलू की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? मेरठ, फुर्काबाद, देहरादून, कानपुर।
तो दोस्तों आलू की सबसे अधिक खेती होती है मेरठ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, हिडन हंगर का संबंध है प्रकाश की कमी से, जल की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से, बीज की कमी से। तो दोस्तों हिडन हंगर का संबंध है पोषक तत्वों की कमी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोषक तत्वों की कमी। क्वेश्चन नंबर 15, मंडुआ का वानस्पतिक नाम है इलुसाइन कोरकाना, ओराइजा सटाइवा, पेनिकम मिलियसियम, सटेरिया इटालिका। तो दोस्तों मंडुआ का वानस्पतिक नाम है इलुसाइन कोरकाना। दोस्तों मंडुआ एक महीन अनाज है। क्वेश्चन नंबर 16, बीज अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, इथिलिन, जिब्रेलिन, टाइलिन, एमएच। एमएच का मतलब है मेलिक हाइड्रेजाइड। तो दोस्तों बीज अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 17, खरीफ फसल का समूह है धान, गेहूं, चना, मटर। अगला है धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार। ख इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, रिजका फसल है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, सभी। तो दोस्तों रिजका एक वर्षीय फसल है। क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं की बोनी किस्मों में दाने एवं भूसे का अनुपात होता है 4:5, 3:4, 1:2, 5:6। तो दोस्तों गेहूं की जो बोनी किस्में होती है उसमें दाने और भूसे का अनुपात होता है 4:5। क्वेश्चन नंबर 20, भाग्यलक्ष्मी किस्म किसकी जाती है, हुक्का तंबाकू, सिगरेट, चूरट, खाने वाली तंबाकू। तो दोस्तों भाग्यलक्ष्मी जो किस्म है वो खाने वाली तंबाकू की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 21, वरदान किस फसल की किस्म है, बरसीम, धान, चना, सूरजमुखी। तो दोस्तों वरदान बरसीम की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 22, अरहर में दाने एवं लकड़ी का अनुपात होता है 1:7, 1:5, 1:2, 1:10। तो दोस्तों अरहर में दाने और लकड़ी का अनुपात होता है 1:7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क, 1:7। दोस्तों बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आने वाली दलहनी फसलों की। पहली क्रॉप दे रखी है चना। दोस्तों चने का बोटनिकल नेम है साइसर एरेटिनम और इसकी फैमिली है फेबेसी और इसका ओरिजिन है दक्षिण पश्चिम एशिया। क्रोमोजोम नंबर 16, प्रोपोगेशन मेथड सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप। अगली क्रॉप है मटर पी, इसका बोटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम, फैमिली फेबेसी, ओरिजिन है इसका इटली, दक्षिण पश्चिम एशिया और क्रोमोजोम नंबर 14, प्रोपोगेशन मेथड सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप। अगली क्रॉप है अरहर। अरहर का बोटनिकल नेम है केजेनस केजान, फैमिली है फेबेसी, ओरिजिन अफ्रीका, क्रोमोसोम नंबर 22, प्रोपोगेशन मेथड सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप। अगली क्रॉप है उड़द, इसका बोटनिकल नेम है विग्ना मोंगो, फैमिली फेबेसी, ओरिजिन भारत, क्रोमोसोम नंबर 22, प्रोपोगेशन मेथड परपरागित फसल। अगली क्रॉप है मूंग, इसका बोटनिकल नेम विग्ना रेडिएटा, इसकी फैमिली फेबेसी, ओरिजिन भारत और मध्य एशिया, क्रोमोसोम नंबर 22, प्रोपोगेशन मेथड स्वपरागित फसल। अगली क्रॉप है लोबिया, बोटनिकल नेम विग्ना युग्निकुलेटा, फैमिली फेबेसी, ओरिजिन क्रोमोसोम नंबर 22, प्रोपोगेशन मेथड सेल्फ पोलिनेशन। अगली क्रॉप सोयाबीन, बोटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स, फैमिली फेबेसी, ओरिजिन चेन, क्रोमोसोम नंबर 14, प्रोपोगेशन मेथड सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप। नेक्स्ट क्रॉप है मसूर, बोटनिकल नेम लेंस एस्कुलेंटम, फैमिली फेबेसी, ओरिजिन भारत, क्रोमोसोम नंबर 14, प्रोपोगेशन मेथड सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लाइक और कमेंट करते रहोगे तो दोस्तों आपके लिए मैं नई नई एग्रीकल्चर की वीडियो लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हो तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें
ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय जवान जय किसान।